नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई सीरीज में, जिसमें हम अपन डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर में जितने एमपी जीएस के क्वेश्चन बने हैं और जितने साइंस के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें करंट अफेयर को नहीं लेंगे, क्योंकि वो पुरानी करंट अफेयर है जो आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। और साथ ही मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट में बताते हो तो इसका भी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ वो जीएस और साइंस के हर एक चैप्टर में 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन ये है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। क्या? विदिशा, बेतवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे है। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना? तो राजा सूर्य सिंह ने ग्वालियर की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवन अतुल्य लेखक? ये पुराना है, करंट अफेयर का तो ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, HAL का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में सही लिखा है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? ये पहले का पेपर है तो तब 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं, तो इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, और इसका एक्ट 1934 में आया था हिल्टन यंग समिति के सिफारिश पर आया था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के सलाहकार, ये पुराना है, करंट अफेयर का ये नहीं आएगा, ये भी पुराना है, ये भी नहीं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बुंदेला राजपूत ने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी, गुलबित चोटी विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत नहीं है, ये अभी तो CDS बन चुके हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस बन चुके हैं जनरल बिपिन रावत। ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सूक्ष्म, ये भी उसका है तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा अगली में, अब्दुल कलाम द्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है उसका नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? तो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है। अगला क्वेश्चन ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो इनको छोड़ते चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन है, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई जी के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य दिबांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा में पीलीभीत भितरकनिका, ये स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, 1943 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इनको छोड़ते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग का डिस्कशन नहीं करना है अपन को, जीएस का डिस्कशन करना है और साइंस का। काफ़ी इजी इजी सवाल आते हैं, इतने कठिन नहीं आते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आएंगे, अभी तक जीएस और एमपीजीके के थे, अब साइंस के आएंगे। पानी की शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती है? उबालने से मर जाते हैं, डिस्टिलेशन से यानी कि आश्वासन से मर जाते हैं, क्लोरीकरण से भी मर जाते हैं, लेकिन छानने से कीटाणु नहीं मरते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है? 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में सरका किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका आंसर है एल्कोहल में
बदल जाता है, तरकरा एल्कोहल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों एवं यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है, दिशा संबंधी गुणों में किया जाता है, यानी कि चुंबक दिशा दर्शाता है, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण में ठहरता है। अगला क्वेश्चन है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है, यानी कि प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है और ध्वनि को पहुंचने में टाइम लगता है, वहां से प्रकाश तेज़ी से आएगा और जल्दी पहुंच जाएगा लेकिन ध्वनि को पहुंचने में टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन है, उनकी पहचान कीजिए जो कोई पशुधन का भाग नहीं है, तो इसका आंसर है मोर, पशु भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में ना पाए जाने वाली ऊतक का नाम लिखिए, इसमें बशीय ऊतक, पार्श्व तंतु और संयोजी ऊतक, ये पशुओं में पाया जाता है, लेकिन विभाज्य ऊतक शायद पेड़ों में पाया जाता है, इसका सही अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, बाद में बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है हैजा, हैजा को संचारण किसके बाद किससे होता है, जीवाणु से होता है, ये क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, अभिक्रिया में ऊष्मा विनिमय होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकसित, विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है, तो ये विटामिन से भरपूरक संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार कच्चित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए, तो मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करती हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है, तो ये ऑर्गन सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम का। एड्स किसके द्वारा संचालित नहीं होता है, लैंगिक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्रीडिंग फ्रेडिंग से यानी कि रक्तदान करने से होता है, और रक्तदान से भी होता है, गले लगने से स्प्रेड यानी कि फैलता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक का तरह कार्य करता है, क्या कहलाता है, तो ये खमीरी कहलाएगा, खमीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ये आज की वीडियो में पूरे क्वेश्चन कवर करिए हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, लाइक का टारगेट रखते हैं पहली बार 20 लाइक का। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्त या जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही सीरीज आगे चलती रहेगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें आपको ये वीडियो सब्सक्राइब मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।